हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर से खुले में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है और शुक्रवार को गुरुग्राम के सेक्टर 69 में लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे। वहीं सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुंचे और खुले में नमाज पढ़ने को लेकर विरोध करने लगे और नमाज पढ़ने वाले लोगों को वहां से भगा दिया। वहीं नमाज पढ़ने वाले लोगों का कहना है कि आपसी सहमति के बाद वो यहां नमाज पढ़ रहे थे। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं बादशाहपुर थाने के SHO उमेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां से मुस्लिम समुदाय के लोग जा रहे थे। इसके बाद बजरंग दल के सदस्यों को भी पुलिस ने वहां से जाने के लिए कहा और तुरंत स्थिति पर काबू पाया गया। वहीं SHO का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है और अगर शिकायत मिलेगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था और सेक्टर 37 में खुले में नमाज पढ़ने पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी, जिसे देखते हुए पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। कई जमीन जब्त कर रहे हैं, ये इस वजह से सर हमें यहाँ खतरा लगा अपने एरिया में, हमें बहुत घबराहट हुई कि भाई ये आज यहाँ इकट्ठे हो रहे कल कहीं और, जबकि हरियाणा सरकार ने बिल्कुल मना किया हुआ है। सख्त आदेश है कि खुले में कोई नमाज नहीं पढ़ेगा और इस बात का उल्लंघन करते हुए वो लोग, ये नहीं कि गुड़गांव की नमाज पढ़ रहे, अतीन से बता रहा है वो मौलवी, अभी यहाँ सबके सामने बोल गया कि मैं अतीन का रहने वाला हूँ और उसने वहाँ 12 सेक्टर में कमरा लिया हुआ है और यहाँ कम से कम 12-13 किलोमीटर दूर आके वो नमाज पढ़ रहा है। तो आप खुद सोचिए, अपने अपने मस्तिष्क को जगाइए, हिंदू जो जागृत हो सब चीज देखे और फिर खुद विचार करे कि क्या हो रहा है सब। क्या देखिए, जिस तरह से अभी सरकार की तरफ से मना कर दिया था, कहते हैं कि खुले में नमाज नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद इस तरह की क्योंकि आपने किसी मुसलमान संगठन से भी पहले भी ये चीज लिखित में भी उन्होंने दिया था कि अब मुसलमान खुले में नमाज नहीं करेंगे, उसके बावजूद कर रहे हैं, तो आप लोगों ने किसी को इस चीज में अवगत कराया अभी तक? जी, मैं पिछले शुक्रवार आया, इनसे हाथ जोड़ के कहा कि भाई साहब आप खुले में नमाज ना पढ़े और उसके बाद भी वो पढ़ रहे। प्रशासन को सूचना 112 पे, हाँ 112 पे कॉल किया है, सूचना दी है प्रशासन को, प्रशासन आया है समय पे। वैसे तो आज आप यहाँ पहुँचे कि क्या मंजर था पूरा आज यहाँ जब आप लोग सारे यहाँ पहुँचे हो? बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान आए हुए थे नमाज पढ़ने के लिए, उनको कोई डर ही नहीं है प्रशासन का और लगता है शायद प्रशासन कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है। तो आगे अगर ऐसे खुले में नमाज होंगी तो उस पे आप लोगों के क्या रहेगी? हम तो जी शांतिपूर्ण ढंग से पहले समझाएंगे, फिर प्रशासन का साथ में। ठीक है।